अथय कलानी तैल दर सेंचुरी पर भी उपर मुहा पेट्रोल और डीजेल दर कमिबा बदल रे बढ़ी बढ़ी चली बोझ प्रतिदिन आसुछि नुआ नुआ रेट क्रमगत भाव सारा देश में पेट्रोल और डीजेल दर बढ़िबारे लगी फल सबु श्रेणीर लोकों पकेट उपरे प्रभाव पकाइलानि। राजधानी भुवनेश्वर में पेट्रोल दर 108.55 थिबा बेले डीजेल दर रही 105.07। मालकानगिरे पेट्रोल दर 114.13 थिबा बेले डीजेल दर रही 110.47। कोरापुट रे पेट्रोल रेट 113.62 थिबा बेले डीजेल दर 109.99 रही। बलांगीर पेट्रोल 111.13 थिबा बेले डीजेल दर रही 107.58। बालेश्वर पेट्रोल 108.54 थिबा बेले डीजेल दर 105.32 रही। कटक रे पेट्रोल दर 108.91 थिबा बेले डीजेल दर 105.42 रही। प्रत्येक दिन पेट्रोल और डीजेल नुआ नुआ दर सामना को आसुची कहीं सबुदिन प्रायत तेल दर बढ़ुची उपर मुहा रोचे पेट्रोल और डीजेल दर कमिबा बदल रे बढ़ी चली बोझ प्रत्येक दिन आसुची नुआ रेट क्रमगत भाव सारा देश में पेट्रोल और डीजेल दर बढ़िबारे लगी सबु श्रेणीर लोकं बाधुची और सबु श्रेणीर लोकों पकेट उपर यार प्रभाव भी पड़ुची। राजधानी भुवनेश्वर पेट्रोल दर 108.55 थिबा बेले डीजेल दर रही 105.07। भुवनेश्वर एक पेट्रोल पंप अच्छा आम प्रतिनिधि शत्रुघ्न विश्वाल। शत्रुघ्न प्रत्येक दिन पेट्रोल और डीजेल नुआ नुआ रेट ये कहीं आज जो रेट रही आसंता का वृद्धि पाँच तेणुक नुआ दर में पुणि थे लोके पेट्रोल और डीजेल किणुंट स्थिति एभली है प्रत्येक श्रेणीर लोक बाधुची प्रत्येक सामग्री प्रत्येक जिनस दर प्रभाव पड़ू। आपत पेट्रोल पंप अच्छा प्रत्येक लोक मैंने आसुवे पेट्रोल पकवाई बर्तमान स्थित को नहीं कौन से प्रतिक्रिया निश्चित भाव देखु प्रतिदिन पखापाखि एक मासरु ऊर्ध समय हलानी प्रतिदिन पेट्रोल एवं डीजेल दर परिवर्तन होउछि। विशेष करी गोटे राज्य में अन्य पेट्रोल दर मध्य विभिन्न सहर रोचे आज आम भुवनेश्वर अच्छा भुवनेश्वर जदि आम देखा तेज ये हूँ डीजेल दर 105.09 रही भुवनेश्वर में तो ये हूँ पेट्रोल दर आपड़ देखुए यहाँ हूँ पेट्रोल दर 108.54 आज दर रही हुए तो ये आसंता जदि आम राति 12टा कथा कह राति 12टा पर ये भी परिवर्तन हो जाए पारे कारण बर्तमान देखूँ धीरे धीरे पेट्रोल एवं डीजेल दर परिवर्तन होउछि प्रतिदिन प्रतिक्रिया नवा भाई प्रतिदिन दर परिवर्तन होउछि दि दिन है परिवर्तन होनी बोधे भुवनेश्वर ना 108.54 पेट्रोल 105.09 डीजेल जो ग्राहक मैंने आसुच्च सब बड़े प्राय आसुवे आप देखुए कि जो पकाचन तेल कौन तक मन में आसूसी कौन के तेल पकाण तो एक्चुअली लोक मान आगु कनसेप्ट जहाँ पैसा हिसाब से पकाते लिटर हिसाब से खूब कम गवर्नमेंट गाड़ी फाड़ी लिटर हिसाब अमाउंट से रोच लिटर भल्यूम कमी जाए अशांति हो पाँच पकाते कि बर्तन से पाँच पकाचन से पांच छः लिटर पाला बेल ए चार लिटर केसतोष देखा निश्चित निश्चित कस्टमर भाव में जो ग्राहक मैंने आसुच्च भितर असंतोष देखा मिलूँ कारण जो टकर पकाते से पाँच हो दुईश हो शहे हो आमाउंट सामान अच्छी कितु आमाउंटर जो तेलर परिमाण धीरे धीरे कमी जाऊँच निश्चित भाव में समस्त मन में असंतोष देखा मिली भाई पूर्व केत तेल पकाउला के बर्तमान कौन रोच बर्तमान बढ़ी जाइए गाड़ी चलाक बाधु तो निश्चित भाव में जी पकाते से पकाचे कि तेलर परिमाण कम निश्चित समस्त मन में से असंतोष रोचे कारण गोटे पटे पेट्रोल दर बढ़ुची और अंपटे अन्न्य सामग्री दर बढ़ुची कौन के बाधुची सार बर्तमान कारण प्रतिदिन तेल बढ़ी चल बहुत बाधुची साधारण लोकों पाखे खाली ये तेल बढ़ीगले हेनी तेल को लेकिन दरदाम बढ़ुची और साधारण खाऊटी बहुत हंसंत होती सरकार को अनुरोध बहुत शीघ्र यार किसी समाधान करवा दरकार ना साधारण जनता डहल विकल हो आर्थिक अवस्था दोहली जी तो बर्तमान केवल तेल ना सामग्री अन्न्य सामग्री बढ़ी जा कारण परिवहन खर्च बढ़ुची गैस बढ़ुची तो हांडीशाल बर्तमान स्थित कौन हांडीशाल कौन आम जी पर नौलु बहुत कम पर नौ एवं देखी रखी चलु बजेट अनुसार आगे जमी खाऊ तरकारी मेजा मेजा एवं बहुत सुंगा भाया खाऊ हाँ अनुसार ग्रोसरी देखूँ दरदाम बढ़िया फल तेल बढ़ीगला अन्न्य सब ग्रोसरी बहुत परिमाण बढ़ी जाइए तेणु आम मैंने बहुत हईराण हो
ଏହି ହଇରାଣର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିକାର ଯଦି ତେଲ ଦର ନ କମିବ ଏବଂ ସରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର ସବୁ ନ କମାଇବେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନା କେତେ ତେଲ ପକାଉଛନ୍ତି? କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାରୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିବାରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଲ ରେଟ୍ ଯଦି ସରକାର କମାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଖାଉଟିମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତେ। ତା'ପରେ ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାରୁ ଡାଲି ଚିନି ଚାଉଳ ଖାଉଟି ବି ବହୁତ ହଇରାଣ, ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ ବୋଧେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବ୍ୟବସାୟର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି? ବ୍ୟବସାୟ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତା'ପରେ ଆମେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଗରାକ ନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ସବୁ ଜିନିଷ ବି ପଚି ପାଚି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ। ତ ଏ ଦର କମିବା ଦରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, କମିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଗରାକ ଖାଉଟି ସବୁ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାରୁ ସବୁ ହଇରାଣ। ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାରୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତେଲ ଦର ଯେତେବେଳେ ବୋଝ ପଡ଼ୁଛି, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ଦର ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଯେଉଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଉଟି ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଅସନ୍ତୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଲାଣି ଏବଂ ଏ ଦର ତୁରନ୍ତ ରୋକ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଯେତିକି ଦର ବଢ଼ିଛି ଆହୁରି କମିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଯଦି ତେଲ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ତେଲ ଦର ବଢ଼ିଲେ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାରାଲାଲ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ରୋକ ଲାଗିବା ଦରକାର, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରୋଷେଇ ଘରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି, ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।